हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साउजी स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आम फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर पर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पार्ट टू डिस्कशन करवा। तो पार्ट वन आम 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, पार्ट टू आउ 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करवा। तो चलतु डेरी नक आज क्लास टी स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स, वीडियो टी स्टार्ट करवा पूर्व आपको कही रखुची कि जो मैंने भी आम फायरमैन आईआरबी ओएसबी पेड टेलीग्राम बैच रे जॉइन करना थी, जदि जॉइन हो इंटरेस्टेड अच्छे जल्दी जॉइन हो जातु। कारण आज हूँ के तारीख ना 17 तारीख, मुझे 17 तारीख रू ही आम आम जो मॉक टेस्ट स्टार्ट करवा। तो आज आप 10:30 मॉक टेस्ट 1 अपलोड हो सारी आपंकर पेड ग्रुप रे जो मैंने भी जॉइन है ना थी। तो यही जो नंबर टी आपको शो कर 8338850200 यही नंबर मात्र 31 टाँ पेमेंट कर से ग्रुप रे जॉइन हो पारे ना। आम एवं जो OSS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 S
ताले ई नंबर रे 11 टका पेमेंट करकी से ग्रुप रे जॉइन नै परिबे। तो देखंतु सेतेर आपनकु पांचटा आपनकर फायरमैन बे मॉक टेस्ट एवं आ पांचटा आईआरबी ओएसए बे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा जो चाहे त आपनकु प्रति सब्जेक्ट रु ई बुक चाहे त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे त आपन कोन प्रोवाइड करा जो ना सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल्स एवं सिलेक्टेड एमसीक्यू मध्ये आपनकु से ग्रुप रे प्रोवाइड करा जो। तो देखंतु फ्रेंड्स आपनकर एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट ही केवल से ग्रुप रे प्रोवाइड करा होची। तो एते टंका माने मात्र 31 टंका जोटा कि आपनकर गोटे दिन टिफिन खर्च सहित समान। तो आपण माने एते जम्मा भी कंफ्यूज करंतु नै आपण माने जॉइन होंतु। मु बारंबार कहूँ आपण मानक मॉक टेस्ट दबे एथिमे बारंबार कहूँ कि आपण माने जदि घरु 5-6टा मॉक टेस्ट दे एग्जाम को जाइथे ताले आपण माने एग्जाम सेंटर जो प्रेशरटा सेइटा आपण माने घरु हैंडल करिया सिखि सारिथिबे। तेणु करी आपण को एग्जाम सेंटर रे 100% जदि विदाउट मॉक टेस्ट रे पिला एग्जाम दउची एवं जो पिलाटा मॉक टेस्ट देकि जाउची ता भितर 100% 10 मार्क किंवा 15 मार्क रो डिफरेंस रहियाटा रहइबो। कारण जो पिला केबे मॉक टेस्ट देनी ताको आसुतिया क्वेश्चन भी से एग्जाम सेंटर भूल कर देके छियो। किंतु जो पिला मॉक टेस्ट दे बारंबार दे 5-6टा लागि कि 10टा मॉक टेस्ट दे कि जाय छी ताले से आराम से सब क्वेश्चन जोरा आसुते आराम से करके आसीओ कूल माइंड रे से परीक्षा देके आसीबो। तेंकु आपण माने जम्मा भी कंफ्यूज करंतुनि मात्र 31 टका रे जेतिकि दिन जो प्रोवाइड करा होची सफिशिएंट दिन जो प्रोवाइड करा होची। तो जल्दी एई जो नंबर टी आपण शो करची 8338850200 एई नंबर टा आपण माने फोन पे गूगल पे पेटीएम सुनील कुमार साहब आपण को नेम शो करिवो एई नंबर रे पेमेंट करकी एई स्क्रीनशॉट ने मते एई नंबर व्हाट्सएप रे सेंड करले आपनकु ग्रुप रे ऐड कर दिया जिवो। तो चालंतु देरी न करी आजिरो क्लास टिकु स्टार्ट करिवा। तो चालंतु फ्रेंड्स आमे 25 पर जन डिस्कशन करथले 26 नंबर आजि डिस्कशन करिवा। तो एई वीडियो टी एंड हला परे टोटल जो 25-50 टी जो रहिला फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आर कंप्लीट वीडियो आपनकु हमर जो टेलीग्राम ग्रुप रहिला साउजी स्टडी टेलीग्राम ग्रुप रे अपलोड कर दिया जिवो। जो माने जॉइन नथि डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि नाइ त डायरेक्ट जे टेलीग्राम रे साउजी स्टडी सर्च करी से ग्रुप रे जॉइन हे जांतु। तो चलंतु आजर प्रथम क्वेश्चन देखिबा। तो प्रथम क्वेश्चन देला कोन ना द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय ए कंप्यूटर। तो गोटे कंप्यूटर द्वारा बेसिक ऑपरेशन कौन कौन परफॉर्म करा जाए बोली से पचारा। तो ऑप्शन ए द्वारा कौन ना आरिथमेटिक ऑपरेशन। तो आरिथमेटिक ऑपरेशन आम कंप्यूटर द्वारा करा जाए। तापर लॉजिकल ऑपरेशन एटा मध्य करा जाए। नेक्स्ट हो कंप्यूटर द्वारा आम स्टोरेज मध्य जिनस आम कर। तो तीन टाक ऑप्शन ठीक अच्छे। तो कंप्यूटर साहाज्य आम आरिथमेटिक ऑपरेशन करते लॉजिकल ऑपरेशन करते स्टोरेज मध्य कर। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी आपणकर सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन ला कोन ना द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। तो एनी कंप्यूटर सिस्टम रो ब्रेन आमे काहू कहि थौ ना आमे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट बा सीपीयू को आमे कहि थौ। ऑप्शन सी आपणकर सठिक उत्तर। तो हार्ट ऑफ कंप्यूटर काहू कहजे दयाकरी मते आपण माने कमेंट रे कहंतु। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन ना द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी आर। तो दि टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी कौन कौन बोली से पचारा। तो आम मेमोरी हूँ दुई भाग विभक्त गोटे मेन मेमोरी आ गोटे कौन ना सेकेंड ऑक्सिलरी मेमोरी बा सेकेंडरी मेमोरी कहुए। तो मेन मेमोरी टाक आउ कौन कहुए ना प्राइमरी मेमोरी कहुए। तो ये जो प्राइमरी मेमोरी है यहाँ आम दुई भाग विभक्त पुणी। तो जो प्राइमरी मेमोरी अंडर आम कौन कौन आ रैम आ गोटे हूँ कौन ना रोम आउ जो आम जो सेकेंडरी मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी जोटा को आम कहे। तो अंडर आम जो रहा सीडी डीवीडी हार्ड डिस्क यूएसबी ड्राइव तो एसएसडी एरा सब आम अंडर आमर जो सेकेंडरी मेमोरी अंडर में आसूँ। तो यार राइट आंसर टी कौन ऑप्शन सी आपणकर सठिक उत्तर। तो चलंतु फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन ना द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। तो आम जो प्रिंटर आउटपुट क्वालिटी आम क्या द्वारा आम मेजर करता ना आम जो प्रिंट कर तो तार आउटपुट क्वालिटी आम डॉट पर इंच डीपीआई रे आम मेजर करता। ऑप्शन बी आपणकर सठिक उत्तर। तापर नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखिए।
तीस नंबर थी कौन ना ह्विच अफ द फलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस तो आपको भितर कौटा गोटे इनपुट डिवाइस नुहे इनपुट डिवाइस रो काम कौन ना कंप्यूटर को आम इनपुट दौजे आउटपुट डिवाइस रो काम कौन ना कंप्यूटर प्रोसेसिंग करके जो जिनसा आमको दौर से आपंकर आउटपुट तो आम कीबोर्ड गोटे की आम एंटर करे कौन से कीबोर्ड साहब कंप्यूटर को किसी गोटे इनपुट दौर तेणुक कीबोर्ड है गोटे इनपुट डिवाइस प्रिंट आम प्रिंट मारे प्रिंटर साहब कंप्यूटर किसी इनफर्मेसन आम प्रिंट है बाहर मैंने कौन बाहर मैंने कौन से आउटपुट डिवाइस तो प्रिंटरटा गोटे आउटपुट डिवाइस तो यार देखा कौन ना ओसीआर ओसीआर हूँ कौन ना ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जोटा कि कौन कर आमर जो टेक्स्टा को सी इमेज डिजिटल इमेज फॉर्मेट को कन्वर्ट करदे तापर ऑप्टिकल स्कैनरटा स्कैनर भी आम गोटे इनपुट डिवाइस गोटे आपने गोटे पेजटा पकई कि आपने स्कैन कर दौरान स्कैन कलापर से जो पेजटा आपर डिजिटल फॉर्मेट आप कंप्यूटर स्क्रीन शो कर मैंने कंप्यूटर को आपने इनपुट दौरान वॉइस आपण मैंने स्पीकर माइक्रोफोन आपने वॉइस दौरान मैंने वॉइस द्वारा आपने इनपुट दौरान तो प्रिंटरटा हूँ कौन ना आपको आउटपुट दौर तेणुक प्रिंटरटा है गोटे आउटपुट डिवाइस सी तरह पचारा कौन नॉट एन इनपुट डिवाइस मैंने नॉट एन इनपुट मैंने कौन कह ना आउटपुट डिवाइस ऑप्शन डी आपंकर सठिक उत्तर तापर नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखा कौन ना कंप्यूटर सिस्टम इनक्लूड्स तो कंप्यूटर सिस्टम आमर कौन कौन सब इनक्लूड रही सी पचारा तो कंप्यूटर सिस्टम आम हार्डवेयर रही सॉफ्टवेयर रही पेरिफेरल डिवाइस रही तो पेरिफेरल डिवाइस हूँ कौन ना आम जो इनपुट आउटपुट डिवाइस गुड़ी को आम पेरिफेरल डिवाइस कही तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस यार सठिक उत्तर इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बहुत थर परीक्षा रिपीट हो सारा तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन ना द अरेंजिंग ऑफ द डाटा इन ए लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड तो डाटा गुड़ी को लॉजिकल सीक्वेंस रे अरेंज करिया को हमें कौन कही था ना सॉर्टिंग बिली कही था कौन ना सॉर्टिंग बिली कही था ऑप्शन ए आपनकर सटीक उत्तर सॉर्टिंग का को जे स्पूफिंग का को जे आ पूर्व वीडियो रे मु स्पूफिंग विषय आपनको कहिली तो आ पूर्व वीडियो जो माने देखिनांती दयाकरी प्लेलिस्ट को जाई आपन माने देखि परबे सॉरी फ्रेंड्स मोर कॉल आसतिबारु तो देखो फ्रेंड्स आपण माने जो ग्रुप रे जॉइन आप पेमेंट करूछन पेमेंट करके आपण माने जम्मा भी वेट करना स्क्रीनशॉट छाड़ दौर आप खाली व्यस्त होती कि काले मुझ पैसा कौन ठकिक नहीं जी कि आप ग्रुप रे जॉइन करेंगे तो सेमती के भावन देखो मुझे बर्तमान क्लास करुच्ची आपण भितर किए भी जन गोटे पेमेंट कर बारंबार कॉल कर तो मुझे यही टाइम कौन करी आप क्लास करी ना जॉइनिंग करी तो यहाँ आप बुझाप चेस्टा करूँ तो आपड़ी पेमेंट कर ग्रुप रे जॉइन होगा आपे अपेक्षा करूँ जदि ऑनलाइन थी तो गोटे सेकेंड में जॉइन करी जदि नी 10-15 मिनट आपने वेट करा निहाती आवश्यक तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन ना अबाकस वाज द फास्ट तो अबाकसटा हूँ कौन ना प्रथम इलेक्ट्रोनिक कंप्यूटर ना मेकानिकल कंप्यूटर ना इलेक्ट्रोनिक कैलकुलेटर ना मेकानिकल कैलकुलेटर भी से पचारा तो देखो फ्रेंड्स अबाकसटा हूँ कौन आम प्रथम मेकानिकल कैलकुलेटर गोटे ऑप्शन डी आपंकर सठिक उत्तर तो यहीटा को नहीं आम कंप्यूटर आविष्कार कराई तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ह्वाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीडी तो बीसीडी फुल फॉर्म कौन भी सी पचारा बीसीडी फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल ऑप्शन ए आपंकर सठिक उत्तर तो आम जो कंप्यूटर आब्रिविएशन गोटे पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनवा से कंप्लीट जिते सारा कंप्यूटर आब्रिविएशन रहा जोटा कि आपंकर एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन रही सेगुड़क आम कंप्लीटली डिस्कसन करदे तो इरिलेवेंट कंटेंट आपको आम जो वीडियो रे केबे भी मिलो ना जहाँ भी मिलो आपको एग्जाम हेल्पफुल हेला भाया कंटेंट कारण खोजी खोजी बना तो एठार मुझे आप 50 क्वेश्चन देती आपड़ भावतु नहीं मुझे डायरेक्ट कौट उठाई जो 50 क्वेश्चन भाई मुझे पाखापाखी 200-300 क्वेश्चन मुझे रिसर्च कर सारापर ही 50 क्वेश्चन उठाई प्रिवियस ईयर पेपर सब आनालीसीस कलापर ही जो 50 क्वेश्चन आपको मुझे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हुएन वाज द वर्ल्ड्स फास्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट बाय हुम तो प्रथम लैपटॉप किए इंट्रोड्यूस कर मार्केट रे बोली से पचारा तो प्रथम लैपटॉप आम इप्सन कर 1981 मसीह ऑप्शन बी आपंकर सटिक उत्तर बर्तमान आपने इप्सन कौन व्यवहार कर प्राय सब इप्सन प्रिंटर ही आपने व्यवहार करते देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन ना द टर्म 1 GB रेफर्स टू तो द टर्म 1 GB मान 1 GB गिगाबाइट मान कौन जीबी तो 1 GBटा कौनटा केते किलोबाइट ना केते मेगाबाइट ना केते बाइट ये पचारा तो देखो 1 GBटा हूँ आम के 1024 मेगाबाइट बा 1024 MB ऑप्शन सी आपंकर सठिक उत्तर जदि आप पचार 1 MB के 1 MB हूँ 1024 KB तो चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन ना ए बाइट कनसीस्ट तो गोटे बाइट
केते बीट बोली से पचारा तो गोटे बैट हूँ केते बीट ना 8 बीट मन रखु गोटे बैट है केते ना 8 बीट आदि आप पचार गोटे बैट गोटे निबल केते बीट सॉरी गोटे निबल हूँ केते बीट ना गोटे निबल आमर है 4 बीट गोटे बैट है आप 8 बिट आ गोटे निबल है आपर के 4 बिट ये जिन मैंने मन रखुद आपन को जहाँ भी इंपोर्टां लगुच कहीदे आपण मैंने जहाँ भी इंपोर्टां लगे सब जगह आपने नोट्रे लिखी रखुद आपत आप क्वेश्चन टे लिखिए तार ऑप्शन टे लिखिए किसी दरकार नहीं आपको गोटे लाइन में लिखीदे किमती ना 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट तापर ता तले लिखिदे 1 निबल इक्वल टू 4 बिट तो एमती आपने नोट कर चलतु आपने पीडीएफ अपेक्षार जमा भी रुहतु ना पीडीएफ तो मुझे आपको ग्रुप शेयर करदे कि पीडीएफ गुड़ आप फोन में सेमती ही सेव हो रही थो कि पीडीएफ रे किसी आपने फायदा उठे पारे ना तेणुक्र आपड़ी नोट कर रखीदे आपको पढ़ाप बहुत ही सुविधा हे तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन ना द डैश कंप्यूटर्स आर अल्सो कॉल्ड एज पर्सनल कंप्यूटर तो क्यों कंप्यूटर गुड़क आम पर्सनल कंप्यूटर भी कही था मेन फ्रेम कंप्यूटर को ना मिनि कंप्यूटर को ना माइक्रो कंप्यूटर को ना सुपर कंप्यूटर को आम पर्सनल कंप्यूटर भी कही था तो पर्सनल कंप्यूटर हूँ कौटा कौन आप घर जो यूज कर डेस्कटप है आपंकर लैपटप है पीसी है यह सब हूँ आप पर्सनल कंप्यूटर से कौन ना माइक्रो कंप्यूटर अंडर ऑप्शन सी आपंकर सठिक उत्तर तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ता पूर्व भिडियो में आपको सब एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सबकि पूर्व भिडियो डिटेल से डिस्कशन करी जो मैंने देखी ना से भिडियो भिडियोटा को आई बटन दे दी आपने देखने तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन ना आन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड बग जदि आपर सॉफ्टवेयर किंवा हार्डवेयर किसी एरर है से आम बग भी कही था व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन फॉर इट तो ये जो बग र अल्टरनेटिव नेम कौन बोली से पचारा तो बग्र अल्टरनेटिव नेम हूँ आम ग्लीच आपने कही देते बेले बेले आप मोबाइल ग्लीच हो जाए ना कंप्यूटर ग्लीच हो जाए आपने कहते हैं तो सहीटा को बग्र अल्टरनेटिव नेम हूँ कौन ना ग्लीच ऑप्शन डी आपंकर सठिक उत्तर ये क्वेश्चन मत इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन टा मुझे देखी एग्जाम ये क्वेश्चन गुड़क आसी तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन ना द बायोस इज द अब्रिविएशन ऑफ तो बायोस रो फुल फॉर्म हूँ कौन ना बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम तो यार राइट आंसर टी कौन ऑप्शन ए आपंकर सठिक उत्तर तो फ्रेंड्स वीडियो भल लगुच्च लाइक निश्चित करूँ चैनल नुआ थे दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब करनी तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु इनवेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट तो इंटीग्रेटेड सर्किट किए इनवेंट करते बोली से पचारा तो देखते फ्रेंड्स आमर जो इंटीग्रेटेड सर्किट रहा तो जैक किल्बी इनवेंट करते जैक किल्बी एंड आमर जो रॉबर्ट निकल दुई जन जाक मिसिक इनवेंट करते तो यार राइट आंसर टी कौन ऑप्शन सी आपंकर सठिक उत्तर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देला नेटवर्क इज द कनेक्शन ऑफ टू और मोर तो नेटवर्क इज द कनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम ऑप्शन सी आपंकर सठिक उत्तर तो ये जो कंप्यूटर फंडामेंटल और कंप्यूटर पचासटा क्वेश्चन है आप नेक्स्ट पार्ट में आम वार्ड रु पचासटा क्वेश्चन एक्सेल रु पचासटी पावर पॉइंट रु पचासटी एक्सेस रु पचासटी तो एमती आम कंप्लीट कर चलिए कारण यहाँ केवल आप फायरमैन पर नुह ये आपंकर ओ थ्री पोलिस जेकोसी भी एग्जाम हो सब एग्जाम वीडियो गुड़ी आप हेल्पफुल हो बाकी ज्योग्राफी जो लाइव क्लास सबुदिन संध्या छटार जो हूँ तो जो मैंने अटेंड करना निश्चित भाव अटेंड करूँ बहुत ही बढ़िया चली क्लास आपचित जो मैंने डिटेल्स पढ़ाई चाहते डिटेल्स पढ़िए एमसीक्यू पाइबे तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हाट इज मीन बाय द डेडिकेटेड कंप्यूटर तो डेडिकेटेड कंप्यूटर क्या कहुए तो मुझे कह देखु आम फायरमैन पर गोटे डेडिकेटेड बैच बनई मैंने टेलीग्राम बैच बनई मैंने कौन डेडिकेटेड बैच मैंने कौन केवल से ही बैच में केवल फायरमैन एग्जाम को टारगेट करके कंटेंट प्रोवाइड करा तो से भाई एटार जो कौन ना डेडिकेटेड कंप्यूटर कौन तो डेडिकेटेड कंप्यूटर अर्थ कौन ना आम ना व्हिच इज ए असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क तो जो कंप्यूटर टा केवल एवं केवल गोटे मात्र टास्क कर असाइन कर कंप्लीट करने तो सहीटा को ही क्या डेडिकेटेड कंप्यूटर ऑप्शन बी आपंकर सठिक उत्तर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन ना व्हिच कंपनी इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री तो माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री रे कौ कंपनी हूँ बिगेस्ट प्लेयर बोली से पचारा तो माइक्रो प्रोसेसर आम किए बनाऊँच मैक्सिमम माइक्रो प्रोसेसर आम किए बनाऊँच ना इंटेल ही बनाऊँच ऑप्शन सी आपंकर सठिक उत्तर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था द फास्ट इलेक्ट्रोनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज तो वर्ल्ड रो माने विश्वर प्रथम इलेक्ट्रोनिक कंप्यूटर
कौटा बोली सी पचारा। तो प्रथम इलेक्ट्रोनिक कंप्यूटर हूँ एनाक, ऑप्शन सी आपंकर सठिक उत्तर। तो एनाक फुल फॉर्म हूँ कौन ना इलेक्ट्रोनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रोनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन सी आपंकर सठिक उत्तर। तो चलत फ्रेंड्स आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो फ्रेंड्स आपने चैनल नुआ अच्छा दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ और वीडियो को जब भल लगे तेल लाइक सेयार निश्चित भाव करनी। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना। तो फास्ट माइक्रो प्रोसेसर बिल्ड बाय द इंटेल कोर वाज कॉल्ड। तो आमर जो इंटेल कोर आमर जो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर जो निर्माण करा, तो से जो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर ना हो कौन ना आमर इंटेल 4004, ऑप्शन ए आपणकर सठिक उत्तर। तो केबे इंट्रोड्यूस करथिला ना 1971 मसीह इंट्रोड्यूस कर। तो चलत नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन ना ए डिजिटल कंप्यूटर डिड नॉट स्कोर ओवर आन एनालॉग कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ। तो डिजिटल कंप्यूटर डिड नॉट स्कोर ओवर आन एनालॉग कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ, क्यों टर्म रे डिजिटल कंप्यूटर केबे हेले भी एनालॉग कंप्यूटर ठारु अधिक स्कोर करना से पचारा। तो देखो स्पीड कथा जी देखा तेल एनालॉग ठारु डिजिटल तो स्पीड 100% हे, रिलेबिलिटी 100% डिजिटल ही हम, कॉस्ट एनालॉग ठारु डिजिटल अधिक रोज, किंतु एक्यूरेसी कथा जी देखा तेल एक्यूरेसी हूँ कहार परफेक्ट आसो ना आमर एनालॉग कंप्यूटर परफेक्ट एक्यूरेसी आसो, तेणुक ऑप्शन बी आपणकर सठिक उत्तर। तो चलत नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देला कौन ना व्वेयर व्वाज इंडिया फास्ट कंप्यूटर इनस्टल्ड एंड व्वेन। तो सी पचारा इंडिया प्रथम कंप्यूटर क्यों जगह इनस्टल कराई केबे इनस्टल कराई बोली से पचारा। तो यार राइट आंसर टी कहो ना इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जोटा कि आम कालकाटा अवस्थित 1995 इनस्टल कराई, ऑप्शन डी आपणकर सठिक उत्तर। तो चलत नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देला कौन ना परम एंड अनुराग आर सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय। जो परम अनुराग दुईटी जगह सुपर कंप्यूटर आम किए डेवलप कर इंडिया डेवलप कर, मन रखुद ऑप्शन डी आपंकर सठिक उत्तर। इंडिया डेवलप कर प्रथम सुपर कंप्यूटर हूँ कौटा ना परम। तो चलत नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ आज लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन पर आम सेसन टी एंड करवा। तो लास्ट क्वेश्चन कौन देला ना ए कंप्यूटर कैंट बुट इफ इट डज नॉट हैव। तो कंप्यूटरटा केवल भी बुट हो पार नहीं बुटिंग हो पार नहीं जदि तार कौन नार कंपाइलर ना लोडर ना ऑपरेटिंग सिस्टम ना असेंबलर नोली से पचारा। जदि गोटे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नाने ओएस नदी तेल से कंप्यूटर केबे भी बुटिंग हो पार नहीं, तेणुक सब कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम मैंडेटरी, तो ऑप्शन सी आपणकर सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स आज भिडियोटी जदि भल लगी तेल लाइक सेयार निश्चित भाव करिए, आग को बहुत सारा भिडियो आम अपलोड करवा। आज आपंकर पेड ग्रुप्रे आपंकर मॉक टेस्ट 1 अपलोड हो जाएगी, जो माने भी पेड ग्रुप्रे जॉइन करना जल्दी जॉइन हो जाते, फायरमैन पेड ग्रुप्रे जो जॉइन होना जल्दी जॉइन होगी मॉक टेस्ट को आपने दे पारे। तो आज ये देखा नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।